हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम। इसके हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे, वो विदाउट कैरी और बोरोइंग वाले थे। अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 11, इसमें हमको क्या करना है, जो भी ऐड दिया होगा वो सब क्या होगा, कैरी वाला होगा। जो भी सब्ट्रैक्ट दिया होगा वो सब क्या होगा, बोरोइंग वाला होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले भी मैंने आप लोगों को कैरी वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना बताया था। तो देखते हैं पहले किस प्लेस से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, वन प्लेस से। तो वन प्लेस पे हमारा क्या लिया है, पहला क्वेश्चन लिया है डू दिस सम। पहला क्वेश्चन है 6 और 7 को प्लस करते तो कितना आता है, 13। ये देखिए 13 आता है ना, तो 13 का हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। और ये जो 1 आता है वो 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, कैरी चला जाता है। तो 4, 3, 7, 1, 8, ये होता है कैरी वाला एडिशन। एक और क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को ज़्यादा नहीं, जितना बता रहे हैं उतना ही करना है। ए बी सी, इसमें भी ए बी कर लीजिएगा और उसमें ए और ये कम मैं बता रहा हूँ वो करिएगा। बी 7, 6 वही 13 का 3, 1 कैरी आया तो इधर चला गया 10 प्लेस के पास। 5, 2, 7, 1, 8, 3 और 4, 7 और 5 और 2, 7, तो इस दोनों कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी कीजिएगा, सब ऐड ही करना है उसी तरह आप लोग ऐड करेंगे। 5 में ए बी, 6 में ए, 7 में ए, 8 में ए, 6 में 7 में एक एक क्वेश्चन करेंगे, 9 में भी आप 1 ही क्वेश्चन करेंगे। सब कैरी वाला एडिशन है, उसी तरह करके आपको करना होगा। देखिए एक 9 का मैं बता देता हूँ, देखिए 5, 6, 11, 11, 5, 16 और 16, 6, 20, 2 का 2 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ 22 है, 2, 1 यहाँ लिखा और ये क्या हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। और 0, 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3, 2, 5, 5, 2, 7 और 2 कैरी एड करेंगे तो 9, 3, 1, 4, 4, 4, 8 और 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 1, 7। तो इस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको बस ये करना है, क्वेश्चन 11 में भी ये करना है। क्या करना है देखिए, ऐसा लिखा है ना तो कैसे ऐड करेंगे, पहले कॉलम में सामने सामने लिख के क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे। जैसे पहला है 18 के नीचे लेंगे 23 के नीचे लेंगे 36, प्लस का सेल आएंगे और ऐड कर देंगे। उसी तरह ये करेंगे, 12 का भी यही करेंगे और 13 का भी आप लोग यही करेंगे, ए और बी करेंगे। ये नंबर्स ने दिया है तो पहले इसको डिजिट में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे लिखा है 46 तो 46 हो गया, 29 इसके नीचे 29 हो गया, 16 इसके नीचे 16 और क्या करना है, ऐड करना है तो ऐड का साइन लगाएंगे और ऐड कर देंगे। 13 का यही है, इसी तरह सॉल्व इसको करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 12, ये भी एडी है। तो देखिए 7, 2, 9 और 6, 4, 10 ये कर लेंगे। बी 2 में ए बी, 3 में ए, 4 का भी आप लोग ए, 5 का भी ए, 6 का ए, 7 का ए, 8 का ए और 9 का ए, इसी तरह इस सबको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13 देखते हैं, ये भी देखिए सब आईडी है, आप लोग सिंपल से जैसा बताएं उस तरह करना है। इसमें भी क्या है, डू दिस सम, देखिए 6, 4, 10 का 0, 10 लिखते हैं ना तो ये 0 और इधर 1, 10 प्लस करी चला जाता है, 1 यहाँ करी हुई चला जाता है। 5, 4, 9, 9, 1, 10, तो 10 का यहाँ भी क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे।
फिर वन कैरी इधर चला गया। अब 8 4 12 और 12 में वन प्लस करेंगे तो 13। इस तरह ए 2 का भी ये करेंगे, 3 का भी ये करेंगे, 4 का ये, 5 का ये और 6 का ये, जितना मैंने आप लोगों को बताया है वो अपनी फेयर कॉपी में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।